सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो जो बार गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं, और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। ये प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भावना से तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, प्रमुख स्वामी महाराज पढ़ के उनके उत्तर लिखते थे। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, समाधान देते थे, उत्तर देते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्रों के उत्तर प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़ के लिख के दिए। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग मोर देन 7070 लेटर्स अ डे विदाउट अ संडे फॉर 45 years। प्रचंड पुरुषार्थ। 3.5 लाख से ज्यादा घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान में उन्होंने व्यक्तिगत पधरामणी की एक तीर्थत्व देने के लिए। उनका सम्मान भी इतना समाज ने किया। कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन से सम्मान हुआ। अमेरिका में 40 से ज्यादा शहरों में उनको की टू द सिटी दी गई। लेकिन उनके जीवन में ये पुरुषार्थ के बारे में एक अच्छी बात वे बताते थे। वे कहते थे, मैं उनके शब्द, उनके ये पवित्र शब्द एज इट इज बोल रहा हूं, वे कहते थे कि ये काम अगर मैं 2 सेकंड के बात करूं ऐसा विचार आए वो भी आलस है। वे कहते थे जो काम अभी करना है वो अभी होना ही चाहिए। हमारी मानसिकता यह है कि आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। फिर कहते हैं मुझे प्रगति करनी है, जीवन में कुछ सिद्धि चाहिए। तो इस भाव से, इस विचार से ऐसे महापुरुष जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं। और ये सब कार्य करने के बावजूद अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने चूक नहीं आने दी। 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ, स्पॉटलेस कैरेक्टर, यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सबके लिए है। नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने कोई लेश मात्र भी, स्वप्न में भी, कोई प्रयत्न करते हुए तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूट छाट लेने का एक संकल्प भी उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी इन योर लाइफ। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को मायामी में मिले थे, 22 मिनट की मुलाकात थी। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन समझ नहीं पा रहे थे, और बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे, वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ में नहीं आती थी। हमारे कोई दुभाषिया संत बीच में थे, तो इंटरप्रेटर संत थे, इसलिए तो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो 8 ही मिनट का था। बाहर आके बिल क्लिंटन ने बताया
आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आइज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में कभी इतनी नैतिकता प्रामाणिकता किसी आंखों में मैंने कभी भी नहीं देखी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति नियम सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई। कहां तक? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी। एंड ही मोबिलाइज द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता। वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, हिटलर के सामने वे खड़े रहे। वे विंस्टन चर्चिल जो नए आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम आईएएस बोलते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब जाते थे तब उनको बोलते थे कि आप भारत जाते हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, युवा हो आप, 25-26 साल के, बड़े बड़े प्रांत के गवर्नर के रूप में आप बैठोगे, आप कहीं बड़े बड़े निर्णय भी लोगे, बड़े बड़े काम भी करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको नहीं करनी है। तब दिस वर यंग एंड डायनामिक आईसीएस ऑफिसर्स एंड दे यूज्ड टू आस्क चर्चिल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं करनी है। तब विंस्टन चर्चिल बात करते थे उनको कि आप भारत जाके सब काम करना, लेकिन गांधी और सरदार के साथ बात मत करना। तो ये लोग पूछते थे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो। तब वे कहते थे कि ये दो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में नीति नियम सिद्धांत और सत्य इतना दृढ़ है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी है जो ओवरपावरिंग है। आप उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद आपके मुंह पे एक ब्लैंक पेपर वे लोग फेंकेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे सिग्नेचर कर दे, यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर एंड देन दे विल राइट द टेक्स्ट। इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं ये दोनों। अगर इन दोनों से बात करनी पड़ी तो पहले आप इंग्लैंड से परमिशन मंगवा लेना, पूरा एजेंडा भेजना। विंस्टन चर्चिल बात करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर बट आई एम अफ्रेड ऑफ द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया। तो सत्य में, सिद्धांत में, कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्डवर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। ये सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल एमबीए है आपके पास, एलएससी के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज। आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। इट काउंट्स मोर बिकॉज मैं आपको बोलूं, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर यू, बट ओनली योर वैल्यूज एंड कैरेक्टर विल कीप द गेट ओपन। आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो।
आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, हर 10-20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है। वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता, बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं। हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की सिद्धांत नीति नियम और चरित्र में, इसकी वजह से वे बड़े पद प्रतिष्ठा से गिर पड़े। हाँ या ना, सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो? तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चरित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप मिलियनर यूथ नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये सद्गुण थोड़े हैं, वो जीवन में रखना बहुत जरूरी है।